ले बेटा तेरे लिए नए शूज। अरे वाह पापा, थैंक यू पापा। लेकिन पापा ये तो मेरे साइज के नहीं है। बेटा साइज तो मेरा है, मैं पहनूंगा, तू तो खाएगा। मेरा बेस्ट फ्रेंड इतना बिजी आदमी है कि कभी एक बारी में फोन नहीं उठाएगा, कभी मैसेज का रिप्लाई टाइम पर नहीं करेगा। भाई किस दिन घर में घुस के इतने झापड़ मारूंगा ना, साले निकम्मे निठल्ले, तेरे जितना खाली आदमी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। बिजी होने की एक्टिंग मना करे कर, किस दिन रोड पे अकेले मत मिल जाओ, तेरे छाती पर शिफ्ट चढ़ा दूंगा, तेरा बाप भी नुगाएगा। बाय वाह, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। दया बोलिए। दया फटाफट सामान पैक पुक करो, हम अहमदाबाद जा रहे। क्या आप अचानक हरी मिर्ची की चटनी में से चमचम कैसे बन गए? भाई 2022 में लोग एक दूसरे को देखकर यही बोलेंगे, ये भी जिंदा है। अमेरिका में जब रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है कि शायद उसे भूख लग रही है। जापान में जब कोई रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है कि शायद कोई चोर आया है। और इंडिया में जब कोई रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है इसको पक्का किसी की आत्मा दिख रही है। पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। आज है ना, मैं तेरी जबान को ऐसे ककड़े की तरह काट 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 के छोटे टुकड़े निकाल डालूंगी ना, तो मेरा नाम भी विमला सूरत वाला नहीं है। Hey, baby, let me see it. बेटा बताओ बहुवचन किसे कहते हैं? सर अमिताभ बच्चन की बहू को बहुवचन कहते हैं। कभी किसी को छोटा मत समझिए, हजारों के कपड़े शोरूम में लटके रह गए और छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। एक बोतल के अंदर से आपको चाबी निकालनी है, लेकिन ना बोतल को तोड़ना है और ना ही बोतल को खोलना है, तो बताओ कैसे निकालोगे? लगाओ दिमाग और कमेंट करके बताओ। हमारे समय में बोर्ड की परीक्षा बहुत मुश्किल होती थी और आजकल बोर्ड के लिए परीक्षा लेना मुश्किल हो चुका है।